के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शिकायतकर्ता ने ही कानून को हाथ में लेने का काम किया। रात के अंधेरे में शिकायतकर्ता पक्ष के लोगों ने आरोपी के घर में घुसकर मारपीट की। 8 की संख्या में घुसे लोगों ने घर में लूटपाट और मारपीट कर आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। हालांकि जब इस विषय पर चास मुफस्सिल थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने खुद धारा 307 के आरोपी पिंटू सिंह चौधरी को गिरफ्तार किया, लेकिन इस मामले में वीडियो सामने आया है जहां आरोपी पिंटू सिंह चौधरी को पुलिस पकड़ने का काम कर रही है। परिवार वालों ने घर के पीछे रखे हथियार का भी वीडियो बना लिया। पिंटू सिंह चौधरी और उसके पिता पर जानलेवा हमला करने का मामला चास मुफस्सिल थाने क्षेत्र में दर्ज किया गया है। धनबाद के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इन दिनों जंगलों से अवैध तरीके से कटी लकड़ियों को उन्हीं क्षेत्रों में चलाने वाले अवैध मिलों को गच्छर का शक्ल दे दिया जाता है और बाद में उन्हें शहरी क्षेत्रों में संचालित फर्नीचर और वाहनों के बॉडी बनाने वाली फैक्ट्रियों में खपाया जाता है। इसी गुप्त सूचना के आधार पर धनबाद के तोपचांची वन प्रक्षेत्र की टीम ने देर रात कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें अवैध लकड़ी लदे एक जुगाड़ रिक्शा और एक बाइक जब्त किया गया। साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हजारीबाग के बरकटा में अवैध माइनिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। बरकटा थाना के बर्कन कांगो में दो अवैध क्रशरों को सील किया गया और संचालक पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बरकटा थाना क्षेत्र NH2 के पास से 5 अवैध बालू लदा ट्रैक्टर, एक हाईवा, अवैध गिट्टी पत्थर लोड बीजक को जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त जांच में बालू लोड ट्रैक्टर और हाईवा के चालकों के पास वैध चालान नहीं होने की बात भी सामने आई। इन लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई। साथ ही दो ट्रैक्टर चालकों को गिरफ्तार किया गया। बागमारा में GNM करतास का भव्य पूजा पंडाल इस बार लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। GNM दुर्गा पूजा समिति के सचिव मुकेश भट्ट ने कहा कि 200 फीट की चौड़ाई में नेपाल के जानकी मंदिर की आकृति का भव्य पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। पूजा पंडाल का निर्माण कार्य महावीर डेकोरेटर चिरकुंडा द्वारा किया जाएगा। दुर्गापुर के मशहूर चित्रकार तपन पाल अपनी चित्रकारी के माध्यम से जानकी मंदिर के प्रारूप को दर्शाने का काम करेंगे। धनबाद के IIT-IISM के छात्रों ने ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में छात्रों ने ब्लड डोनेट किया। IIT-IISM की छात्रा आस्था निर्माण ने बताया कि मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। बता दें कि धनबाद में आए दिन खून की कमी देखने को मिलता है, जिसको लेकर IIT-IISM के छात्र लगातार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते रहते हैं और ब्लड धनबाद के अस्पतालों को प्रदान करते हैं। छात्रों ने लोगों से ब्लड डोनेट करने की भी अपील की। धनबाद में बंगाली समुदाय की महिलाओं के द्वारा महालया के पूर्व राजेंद्र सरोवर पार्क में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम एगोमोनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बंगाली एसोसिएशन की महिलाओं और बच्चों ने दुर्गा पूजा के पूर्व देवी मां के स्वागत पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि बंगाली संस्कृति परंपरा बनी रहे और उनकी नई पीढ़ी बांग्ला संस्कृति पर गर्व करे, इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक जागरण का आयोजन किया गया है। बोकारो जिले की राजद का संगठनात्मक चुनाव सेक्टर 9 में संपन्न हुआ। एक बार फिर से बुद्ध नारायण यादव बोकारो के निर्विरोध राजद जिलाध्यक्ष चुने गए, जबकि बोकारो महानगर अध्यक्ष के रूप में रामजीत यादव निर्विरोध चुने गए। चुनाव में भारी संख्या में राजद के नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। जिलाध्यक्ष चुने जाने पर बुद्ध नारायण यादव ने कहा कि फिर से एक बार बोकारो जिले में राजद की कमान मिली है। हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा उस पर काम किया जाएगा और जनहित के मुद्दों पर लोगों के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने में भी मदद की जाएगी। डाल्टनगंज के शनि मंदिर के पास माता हीरामणि सेवा संस्था के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल के नेतृत्व में सौवां सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच पूरी सब्जी और मिठाई और पानी का बॉटल का वितरण किया गया। भोजन पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिली। माता हीरामणि सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से माता हीरामणि सेवा संस्था के द्वारा गरीबों की सेवा की जा रही है। कोरोना काल में भी संस्था द्वारा कोरोना संक्रमित लोगों और जरूरतमंद लोगों की सेवा की गई थी।